गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा कैसे हो आप लोग? देखो ये खाली टाइम है और खाली टाइम को यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम पढ़ाई करें। पहले हम लोग कहते रहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, टाइम नहीं मिलता, तो अभी ये बहुत अच्छा टाइम आपको मिला है। जो चीजें आपको नहीं आती उन पर आप काम करना शुरू करें, ठीक है, और अपना ध्यान रखें। चलो अभी आप लोग क्या करेंगे, अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे सारे लोग, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको जहां भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देंगे, ठीक है, टेंथ के बेसिस पे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके होंगे वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। आप जानते भी है पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और बोर्ड का एग्जाम आप देते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में भी पीएच स्केल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, जो जो बातें मैं बताऊंगा सारे लोग ध्यान देंगे। देखिए टॉपिक हमारा जो है वो स्टार्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रेंथ पता करनी है हमें एसिड्स एंड बेसिस की। तो हमने अब तक जो इंडिकेटर देखो पढ़े हैं वो इंडिकेटर हमारे पास होते हैं, एक तो हम लिटमस टेस्ट कराते हैं, तो हमारे पास लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन होता है। दूसरा इंडिकेटर हम पढ़ते हैं मिथाइल ऑरेंज, हमारे पास है। तीसरा जो इंडिकेटर हमने पढ़ा अब तक वो हमने पढ़ा फिनोक्सिलीन। ये तीन इंडिकेटर की बात हम कर चुके हैं, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात भी करते हैं, लेकिन लैब में जनरली जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ये वाले इंडिकेटर्स हैं, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलीन। अब इन इंडिकेटर्स का क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके, थोड़ी सी बात और बताता हूं मैं। देखो लिटमस पेपर हमें दो सॉल्यूशन अगर हैं और दोनों सॉल्यूशन के बारे में बताएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। दो सॉल्यूशन अगर हैं हमारे पास और हमको ये आइडिया है कि इनमें से एक एसिडिक है और दूसरा बेसिक है, तो लिटमस पेपर के बेसिस पे लिटमस टेस्ट हम करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को यूज करते हैं, फिनोक्सिलीन यूज करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि विच वन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक सॉल्यूशन, इनका ये काम है, ठीक है। एक एक्टिविटी हम ले लेते हैं, सपोज हमारे पास देखो दो टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब हमने ले ली और इन दो टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन बनाया, इसमें भी एक सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन को मैं बोलता हूं कि ये सॉल्यूशन ए है, ये टेस्ट ट्यूब ए जो है इसमें सॉल्यूशन ए फिल्ड है, और ये एक कोई दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसमें जिसको हम बी कह सकते हैं और इसमें दूसरा कोई सॉल्यूशन है। देखो हमको ये तो आइडिया है कि इन दो टेस्ट ट्यूब्स में एक सॉल्यूशन एसिड का है और दूसरा सॉल्यूशन बेस का हमने बनाया हुआ है, लेकिन हमको ये आइडिया नहीं है कि भाई कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। तो क्या करें, अब ये जो इंडिकेटर्स हमारे पास है लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलीन, ये हमारी हेल्प करने वाले हैं। इनमें से कोई भी एक इंडिकेटर आप उठाओ और टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उनके साथ उसका इंटरेक्शन हम कराते हैं। जैसे सपोज लिटमस पेपर हमने लिया, तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, ये वाले टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, तो हम देखते हैं कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है। इसका मतलब ये है कि इस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है, और अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड। इसका मतलब है कि इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, बी टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन, दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि भी इस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन था तो इसमें बेसिक ही होगा, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि भी इसमें बेसिक सॉल्यूशन है। हो गया आइडेंटिफिकेशन कि किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, किस टेस्ट ट्यूब में बेस है। इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम ये चीजें डिसाइड कर लेते हैं। अब दूसरी चीज हमारे पास है, दूसरा एग्जांपल है
कि मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब फिर से हैं, फिर मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली और इन दो टेस्ट ट्यूब में मैंने सॉल्यूशन बनाए, इसको भी इसको आप ए कह दें इस बार फिर और इसको बी कह दें, तो अब इन टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन कौन से हैं? ये दोनों टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशंस हैं वो एसिड्स के हैं, ठीक है। पहले से मैं बता देता हूं, इस टेस्ट ट्यूब में सपोज आपने बनाया एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन आपने बनाया था और इस टेस्ट ट्यूब में HCl का सॉल्यूशन आपने बनाया था। टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बनाए आपने, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख दी और उसके बाद आप भूल जाते हैं किस टेस्ट ट्यूब में HCl का सॉल्यूशन है, किस टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, क्या करें आप? अब लिटमस पेपर मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थलीन आपकी कोई हेल्प करने वाले नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो HCl और एसिटिक एसिड है वो दोनों एसिड ही तो है, फिनोफ्थलीन लेके आएंगे कोई कलर नहीं देगा, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, पिंकिश येलो कलर देते हैं। और जो लिटमस पेपर है अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं दोनों में रेडिश कलर का हो जाएगा, दोनों में रेड हो जाएगा, तो फिर कैसे आपको समझ में आएगा कि भी कौन सी टेस्ट ट्यूब में HCl का सॉल्यूशन है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है? क्यों? क्योंकि दोनों जो एसिड्स हैं उन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एक इस तरह का इंडिकेटर हमको चाहिए जिससे कि हमको समझ आ जाए कि भी किस टेस्ट ट्यूब में HCl का सॉल्यूशन हमने फिल किया और किस टेस्ट ट्यूब में हमने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन फिल किया। तो इसके लिए हमको पढ़ना होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, पहले हमको ये समझना होता है और उसके बाद हमें यहां पर एक स्केल पे हम काम करते हैं जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है। इसमें जरूरत पड़ती है हमको एसिड्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए, बेसिड में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको पीएच स्केल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है और हर एक बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे एक्चुअली स्ट्रेंथ होती क्या है। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर हम एसिड्स और बेसिस को स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर हम एसिड्स एंड बेसिस को क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो तरह की क्लास आती हैं, दो पार्ट में हम इनको कैटेगराइज कर पाते हैं। तो ये हेडिंग हमारा हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, पहली बात स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हो गया। अब इसमें जो हमारे पास अगर हम सबसे पहले एसिड्स की बात करें तो एसिड्स हमारे पास होते हैं, एक एसिड हमारे पास होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। दूसरे जो एसिड्स हमारे पास होते हैं उनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड वीक होते हैं, इसीलिए हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की। अगर हम बेसिड की बात करें तो बेसिड भी बेसिस को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, तो यहां भी हम देखते हैं कि जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक भी होते हैं। अब कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, इसके लिए क्या कैसे हम समझें? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा, देखो एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जो हमारा आरएनएस का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि एसिड वही सब्सटेंस होगा जिसके पास हाइड्रोजन आयन होगा। बेस जो होते हैं चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वही सब्सटेंस बेस होते हैं जिनके पास OH आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो H+ आयन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पास भी होगा और H+ आयन वीक एसिड के पास भी होगा। OH आयन स्ट्रॉन्ग बेसिस के पास भी होगा और OH आयन वीक बेसिस के पास भी होगा, ठीक है। तो फिर कैसे, किस एसिड को स्ट्रॉन्ग कहें किसको वीक कहें और किस बेस को स्ट्रॉन्ग कहें किसको वीक कहें? सिंपल तरीके से आपको मैं समझा दूं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व करने पे
जितने भी आयंस उनके पास हैं उन सबको वो वाटर के अंदर दे देते हैं, फर्निश करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। ऑन द अदर हैंड जो वीक एसिड्स होते हैं दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू वाटर। क्या मतलब हुआ इस बात का, एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं। देखिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl है, ठीक है, और एक वीक एसिड का एग्जांपल हमारे पास CH3COOH है। अब मैंने दोनों जो एसिड मैंने लिए हैं इन दोनों का अमाउंट मैंने सेम लिया। HCl का मैंने 1 मोल लिया और एसिटिक एसिड का भी 1 मोल लिया। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब मैं वाटर में, अभी डाला नहीं है मैंने एसिड, HCl मेरे पास 1 मोल है यानी कि HCl के 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स HCl के मेरे पास हैं और इतने ही मॉलिक्यूल्स मेरे पास एसिटिक एसिड के हैं। अब मैं इनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व करता हूं तो HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H+ और Cl- में टूटता है तो जो H+ आयन यहां पे मुझे मिलेंगे वो जितने HCl मॉलिक्यूल्स थे उतने मिलेंगे क्योंकि जितना भी HCl मॉलिक्यूल है वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो यहां पे जो हाइड्रोजन आयन मुझे मिलने वाले हैं वाटर के अंदर वो 6.022 × 10³ ही मिलेंगे। 1 मॉलिक्यूल HCl का मैं लूंगा 1 हाइड्रोजन आयन देगा, 2 मॉलिक्यूल HCl के लूंगा 2 हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर मुझे देगा, 3 मॉलिक्यूल HCl के लेता हूं 3 हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर वो मुझे देता है। तो 6.022 × 10³ HCl मॉलिक्यूल्स अगर मैंने वाटर के अंदर डाले तो वाटर के अंदर मुझे 6.022 × 10³ हाइड्रोजन आयन ही मिलेंगे। समझ आई बात, ठीक है। लेकिन एसिटिक एसिड के केस में क्या होगा, एसिटिक एसिड के केस में होगा 1 मोल CH3COH 1 मोल हाइड्रोजन आयन नहीं देगा मुझे। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता वाटर के अंदर, वीक एसिड्स डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू वाटर। समझ आ रही है बात, डिसोसिएशन तो इसका H+ और CH3CO- H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन ये देगा लेकिन हाइड्रोजन आयन इस नंबर के इक्वल नहीं मिलेगा मुझे। तो देखो दोनों में जो सॉल्यूशन दोनों के मिले उन दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिफरेंट हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर गोइंग टू डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन मेरे पास है HCl और एसिटिक एसिड का बराबर अमाउंट मैंने लिया था, HCl और एसिटिक एसिड का बराबर अमाउंट मैंने लिया था उस वाटर का जिसमें मैंने अलग अलग इन दोनों को डिजॉल्व किया था, लेकिन सॉल्यूशन में इसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है और इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस कम है, स्ट्रेंथ चेंज हो गई, ठीक है। एसिड्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया उस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे डिपेंड करती है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ। तो जो दो टेस्ट ट्यूब मैंने ली थी HCl की और एसिटिक एसिड की, अभी यहां कौन इंडिकेटर ऐसा है जो ये बता दे कि इसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं और इसमें हाइड्रोजन आयंस कम है, पीएच पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये तीनों इंडिकेटर जो हमने पढ़े हैं ये तीनों इंडिकेटर केवल मुझे ये बताते हैं कि भी यहां भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, यहां भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंडिकेटर हमने नहीं पढ़ा जो स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है कि दोनों सॉल्यूशन हैं तो एसिडिक लेकिन दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर डिफरेंट। ये एक्चुअली टास्क है हमारा, हमको जो सॉल्यूशंस एसिडिक सॉल्यूशंस उनकी स्ट्रेंथ के बारे में आज बात करनी है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर बेसिड के बेसिड पे हम आते हैं, बेसिड में दो बेसिड के एग्जांपल भी मैं लेता हूं। NaOH मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है ये मैंने ले लिया और एक वीक बेस यहां पे NH4OH मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं, ये वीक बेस होता है, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप वाटर में इसको डालते हैं तो वाटर में ये Na प्लस और OH आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कितना कितना अमाउंट लिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी अमोनियम आयन और OH आयन में डिसोसिएट हो जाता है। दोनों के पास हाइड्रोक्साइड आयन है, दोनों वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन वही उसी तरह से अगर हम यह क्वांटिटी डिफाइन करें, दोनों की क्वांटिटी फिक्स कर दें, वन मोल हमने NaOH लिया, वन मोल हमने NH4OH लिया, वन मोल NaOH का मतलब है कि 6.022 × 10²³ NaOH मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं। फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहां पे मॉलिक्यूल कहकर चल रहा हूं। वन मोल NH4OH में भी 6.022 × 10²² अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जब ये डिसोसिएट होते हैं वाटर के अंदर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर में अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इनको मैं डिजॉल्व करता हूं, तो OH आयन का जो यहां नंबर है वो 6.022 × 10²³ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर। जैसे मैंने यहां बताया, अगर मैं दो NaOH के मॉलिक्यूल ले लूंगा तो वाटर के अंदर वो मुझे दो OH आयन देगा, दो मॉलिक्यूल NaOH के लिए तो दो OH आयन देगा। 100 NaOH मॉलिक्यूल लेता हूं तो 100 OH आयन देता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वही होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर। बात समझ में आई? ठीक है। NH4OH के केस में जितना नंबर मैंने यहां मॉलिक्यूल्स का लिया उतना नंबर NOH आयन का यहां नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो कौन सा इंडिकेटर है आपको ये बता देगा? नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो ये बात होती है स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में आप ये बात समझ के चलें कि हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके पास, उनके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का नंबर कम ज्यादा होता है और वीक एसिड्स में हाइड्रोजन आयन्स का नंबर कम होता है। ठीक है, इसी तरह से आप कहेंगे बेसिस के बारे में। बात समझ में आ गई? तो अभी स्ट्रेंथ अगर सॉल्यूशंस की है हमारे पास एसिड्स या बेसिस की, तो उसको हम पता कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, आप सुनो ध्यान से। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो भाई कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दो। चलो फटाफट मैं चेक करता हूं पहले, उसी के बाद मैं शुरू करूंगा यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल। फटाफट लिखो, तुषार त्यागी यस सर, काजल दीक्षित यस सर, राशिका यस सर, सबको समझ आ रहा है? फटाफट यस सर लिख दो जितने बच्चे हैं यहां। और भाई बच्चे बहुत कम आ रहे हैं आपके, ठीक है ना? सारे बच्चों को बोलो क्लास अटेंड किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जब हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे तो केवल डाउट्स हम लेंगे, ये चीजें अभी आप कवर कर लो, अभी टाइम है अपने पास। चलो, यानी कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो अभी मैं बात करता हूं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या एक्चुअली? यूनिवर्सल इंडिकेटर देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, यहां पे ये एक मिक्सचर होता है कई सारे सब्सटेंसेस का, और कई सारे वो सब्सटेंसेस जो डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस नंबर पे, डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे डिफरेंट कलर शो करते हैं,
ऐसे जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं, उन सारे सब्सटेंसेज को हमने मिक्स करके उसको एक इंडिकेटर का नाम दे दिया जो यूनिवर्सली यूज होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे HCl मैंने लिया था, अब HCl और CH3COOH में हाइड्रोजन आयंस है और HCl में हाइड्रोजन आयंस है, उनका नंबर डिफरेंट है, तो यहां पे ये इंडिकेटर डिफरेंट कलर दिखाएगा और यहां पे ये इंडिकेटर डिफरेंट कलर दिखाएगा। आप अपनी बुक खोल के देखोगे तो वहां पे एक स्ट्राइप बनाया हुआ है, उस स्ट्राइप में डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखे, नंबर लिखे हुए वहां पे जीरो, अभी लिखूंगा मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, वहां पे कलर आप एक बार चेक कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 14, तो 1 नंबर पे डिफरेंट कलर है, 3 नंबर पे डिफरेंट कलर है, ठीक है, 14 नंबर पे डिफरेंट कलर है। तो ये क्यों है, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस अगर प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो फिर वो सब्सटेंस डिफरेंट कलर शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को सबको मिक्स करके एक इंडिकेटर हमने बना लिया जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। और सिंपली चेक करने के लिए हमने एक यहां पे स्केल बनाया जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, और यहां बिल्कुल बीच में, इस स्केल के बिल्कुल बीच में जो नंबर होता है वो होता है 7, ठीक है। इसके इधर जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होंगे, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, ठीक है। इसके इधर आते हैं तो यहां नंबर 6 है, यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है और यहां 0 है। देखो पीएच स्केल, ये पीएच स्केल है, अभी मैं बता दूंगा पीएच का मतलब क्या होता है, लेकिन आप ये समझो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कहना चाहता है। और यहां देखे नंबर जो होते हैं पीएच स्केल में वो 0 टू 14 होते हैं। अभी ये इस क्लास का देखो ये टास्क नहीं है कि नंबर को 0 से 14 क्यों लिया जाता है, ये हम 11th में क्लियर करते हैं चीजों को, ठीक है। बाकी जो ये नंबर है, ये नंबर से मतलब है कि यहां पे 1 नंबर पे डिफरेंट कलर है, 2 पे डिफरेंट कलर है, 3 पे डिफरेंट कलर है और यहां 11 पे डिफरेंट है, 14 पे डिफरेंट है, क्योंकि हर एक नंबर पे सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, हर एक नंबर पे डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। और मैंने क्या कहा, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जो डिफरेंट हाइड्रोजन आयन पे डिफरेंट कलर शो करते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल की बात करते हैं, ये देखो एक लाइन है जिसमें 0 टू 14 नंबर लिखे हुए हैं, इसको हम कहते हैं पीएच स्केल। तो अभी बात जो हम करेंगे वो पीएच स्केल की करेंगे, पीएच स्केल। तो पीएच का मतलब क्या होता है, देखो पी फोर होता है प्रोटीन्स, और ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है पावर, इसका मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, ठीक है। तो और H4 क्या होता है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आप कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से सिंपल सा मतलब ये है। वैसे तो 9th में आप कॉन्सेंट्रेशन पढ़ के आते हैं, तो जहां हाइड्रोजन आयन ज्यादा प्रेजेंट है वहां हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जहां हाइड्रोजन आयन कम प्रेजेंट है वहां हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, जहां ज्यादा वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जहां हाइड्रोजन आयन का नंबर कम वहां कॉन्सेंट्रेशन कम। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जोड़े आप, P4 पावर, H4 हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स को क्या कहते हैं हम, पीएच कहते हैं, पीएच। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला भी पढ़ लो आप, पीएच इक्वल्स ये अलग सा है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये H प्लस को, ये हाइड्रोजन आयन है, अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये जो सिंबल यहां पे लिखा हुआ है इसको आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी हम केवल ये देखना चाहते हैं कि इस पीएच स्केल को यूज करते हुए हम एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भी पीएच का मतलब क्या है,
तो पीएच का सिंपल सा मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन दिस सॉल्यूशन। तो जब हम इस पीएच स्केल पे आते हैं तो यहां देखो क्या होता है, यहां अगर 7 से उधर जाते हैं और फिर 7 से रिवर्स चलते हैं तो क्या होता है, और जब 7 से इधर जाते हैं 7 से इधर आते हैं तो 7 पे क्या, तो 7 पे हुआ न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर 7 पे जो उस स्ट्राइप पे जो पीएच पेपर आपके पास है उस पीएच पेपर पे अगर आप इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो डिप करने पे आप देखते हैं कि 7 पे जो कलर यहां पे स्ट्राइप पे दिखा रहे हैं वो कलर आपके स्ट्राइप का हो गया। इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो आपने लिया हुआ है नीदर एसिडिक, इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, समझ गए। यानी कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा नहीं है जो उसको एसिडिक बना दे और उतना कम नहीं है जो उसको बेसिक बना दे, समझ आई बात, ठीक है। अगर 7 से नंबर ऊपर जाते हैं तो जो बेसिक कैरेक्टर है बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। अगर नंबर कम होता है 7 से, डिक्रीज होता है 7 से नंबर कम, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ये हो गया भाई, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस होता है, इंक्रीज होता है 7 से ऊपर जाएंगे। तो यहां मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए हमारे पास सपोज एक दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है दूसरा सॉल्यूशन बी है, ध्यान से सुनो, एक सॉल्यूशन ए दूसरा सॉल्यूशन बी। मैं कहता हूं कि ए की जो पीएच है वो 8 है और बी की जो पीएच है वो 11 है, तो विच वन इज मोर बेसिक। तो मैंने बताया कि जब नंबर बढ़ेंगे आपके तो 8 9 10 11 12 पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो बी का जो बेसिक कैरेक्टर है वो ए से ज्यादा है, ठीक है, दोनों एसिडिक नहीं है लेकिन बेसिक कैरेक्टर में कंपैरिजन जब हम करते हैं तो बी का जो बेसिक कैरेक्टर है वो ए से ज्यादा है, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे आओ, जब नंबर इन डिक्रीज होता है 7 से 6 पे आते हैं, 6 से 5 पे आते हैं, 5 से 4 पे आते हैं, तो फिर 3 पे 2 पे 1 पे, तो 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा 3 वाले के कंपैरिजन में, थोड़ा सा उल्टा है। बेसिक कैरेक्टर में नंबर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर में नंबर डिक्रीज होता है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, समझ आई बात। नंबर डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यहां नंबर भी इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ये पीएच स्केल है आपका, यहां पे ले लेते हैं एग्जांपल, आपके पास दो सॉल्यूशन है सी और डी से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक की जो पीएच है पॉइंट्स में लेता हूं इस बार, एक की पीएच 2.4 है और जो डी है इसकी जो पीएच है वो 0.5 है, विच वन इज मोर एसिडिक, जिसकी पीएच कम वो ज्यादा एसिडिक, तो डी सी से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, डी सी से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ऐसे समझना है आपको। तो जो मैं दो सॉल्यूशन स्टार्टिंग में आपके पास आपको मैंने दिए थे एग्जांपल में हमने डिस्कस किए वो ये थे कि अगर 1 मोल HCl और 1 मोल COH एसिटिक एसिड हमने वाटर के अंदर लिया तो वाटर के अंदर लेने पे यहां हाइड्रोजन आयन जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है, यहां हाइड्रोजन आयन नंबर जो होता है वो कम होता है, तो अगर आप पीएच चेक करते हैं तो इसमें जो नंबर आएगा वो कम आएगा और इसमें जो नंबर आएगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि पीएच क्या है, पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोजन आयन की पावर कहां ज्यादा है, HCl में, HCl में हाइड्रोजन आयन की पावर ज्यादा है और जब पावर ज्यादा होती जाती है तो नंबर कम होता जाता है
और नंबर कम होता है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बात समझ में आ गई भाई? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हमने की, बेसिक स्ट्रेंथ की बात हमने की, पीएच स्केल की बात हमने की। किन्हीं भी दो सॉल्यूशंस के बीच में आप डिफरेंस कर सकते हैं, वो एसिड है बेस है ये बता सकते हैं। अगर वो दोनों सॉल्यूशन एसिडिक हैं और दोनों सॉल्यूशन में आपको ये बताना है कि भी कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है, तो फिर आप पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भाई कब आपको लिटमस पेपर, मिथाइल और इन्फ्लोफ्थीन का यूज करना है और कब आपको ये पीएच पेपर का यानी कि पीएच स्केल जो आपके सामने बना हुआ है इसका यूज आपको करना है। सिंपली अगर हम देखें रियल लाइफ में भी हमारा जो पीएच है इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना? तो इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना पढ़ो, ठीक है? अभी आप इतना पढ़ो। और देखो अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये एक आइडिया मेरे पास कल आया कि आप ना गूगल पे जाके सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी का एक चैप्टर, पूरी एनसीईआरटी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या जो चैप्टर रिक्वायर्ड है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो वहां से बेटा आप ले लो चैप्टर, आप पढ़ो, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। जिनको सीखना है ना, जिनको चीजें कम आती हैं उनको सीखने का बहुत अच्छा टाइम है, जिनको चीजें अच्छे से आती हैं और इम्प्रूव वो करना चाहते हैं तो उनके पास भी बहुत अच्छा टाइम है। आप घर पे बैठ के इस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और हम सारे लोग आपके साथ लगे हुए हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो आप बेटा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। थैंक यू सो मच।